अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग कुतुबशाही डिनास्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दक्कन की तारीख का बहुत अहम तरीन हिस्सा है और तेलंगाना की तारीख का भी हिस्सा है। अब तक जितने डिनास्ट्रीज हम पढ़े उससे कुतुबशाही डिनास्ट्री इसलिए अलग है क्योंकि आप बहमनी सल्तनत को देखेंगे तो वो बिदर या गुलबर्गा की तरफ है, उससे पहले चालुक्यास का देखेंगे तो आपको अलग अलग और इलाके मिलेंगे। लेकिन कुतुबशाही डिनास्ट्री का अगर हम बेस देखेंगे तो वो पूरी तरह से हैदराबाद है, यानी गोलकोंडा है। जिसको भी हैदराबाद की हिस्ट्री से ज्यादा दिलचस्पी है उसके लिए कुतुबशाही डिनास्ट्री बहुत ज्यादा अहम है। और ये तेलंगाना के हिस्ट्री के साथ साथ तेलंगाना के कल्चर का भी बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है। आज के इस लेसन में हम लोग कुतुबशाही डिनास्ट्री के अंडर में जो उसके बानी है कुतुबशाही सल्तनत के, उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसा उन्होंने कुतुबशाही डिनास्टी कायम करे थे, कैसा कहाँ से आए थे और कैसा वो बादशाह बने, गवर्नर बने, और उसके बाद गवर्नर से एक सुल्तान कैसा बने, और कैसा उन्होंने अपने उरूज पे पहुंचे, क्या क्या उनके जंगी फतूहात थे, और कैसा उनका जवाल हुआ, और कौन उनके वारिस बने। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फाउंडर ऑफ कुतुबशाही डिनास्टी व सुल्तान कुतुबुल मुल्क, कुतुबशाही डिनास्टी के बानी है जिनको हम लोग सुल्तान कुली कुतुब शाह बोल के याद करते, और उनका लकब क्या है, कुतुबुल मुल्क है। तो ये एक लकब है। ये लकब कौन दिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तारुफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह सालिस के दौर में, मोहम्मद जो अपने बहमनी सल्तनत में कौन है, वो मोहम्मद शाह सालिस थ्री, इनके दौर में एक बहुत बड़ी अंदरूनी लड़ाई हुई थी दो फैक्शंस के बीच में, आफाकी और दक्कनियों के बीच में। तो इन्हों क्या करे थे, मोहम्मद शाह अपने दौर के बेहतरीन ऑफिसर और गवर्नर, जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद गवान, उनको जो है फांसी पे लटका दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि बहमनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बट गया था वो। तो क्या हुआ कि जो उनके गवर्नर्स थे, ठीक है, हर गवर्नर जो है अपने अपने ममलकत का ऐलान कर लिए थे। तो मैं उसको अपने नोट्स में लिखा था, आपसे अगर सवाल करूं तो जैसा कि निजाम अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, और बेरार में इमाद शाही, और इसी तरह बिदर में जो है बरीद शाही, और गोलकोंडा में कुतुब शाही डिनास्टीज बोले के भाई हम अपने अपने खुद हुकूमत का ऐलान करेंगे। और हम जो है क्या हुआ कि बहमनी सल्तनत में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, एक तरह से बगावत हुई थी सुल्तान के खिलाफ, और हर बादशाह हर गवर्नर अपने अपने खुद मुख्तार ममलकत का ऐलान कर लिए थे। तो वही बात है यहाँ पे कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी किंगडम सेवरल गवर्नर्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। तो कई गवर्नर्स क्या करे अपने अपने आजाद हुकूमत का ऐलान कर लिए थे। तो सुल्तान कुली ऑल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश गोलकोंडा किंगडम विथ इस कैपिटल एट गोलकोंडा। तो क्या करे कुतुबशाही डिनास्टी के जो बड़े थे उन्होंने सुल्तान कुली उन्होंने क्या करे अपने ममलकत का ऐलान कर लिए थे, और गोलकोंडा उनका दारुल हुकूमत बनाते हुए गोलकोंडा सल्तनत कायम करे थे। तो इट वॉज फर्स्ट क्या है वो, गोलकोंडा सल्तनत क्या है वो, गोलकोंडा सल्तनत ये सल्तनत का ऐलान उन्होंने करे थे, कौन, सुल्तान कुली। तो मोहम्मद खुली कुतुब शाह। जी बाद में कुली कुतुब शाह बने उन्होंने, पहले तो ये उनका सुल्तान कुली थे उन्होंने, बाद में कैसा बने वो आपको बताता हूँ। दे रूल्ड फ्रॉम 1512 टू 1687, अराउंड 150 इयर्स तक जो है कुली सॉरी कुतुबशाही डिनास्टी हुकूमत करी थी। और ये तो हुकूमत करी, लेकिन इनका किन किन लोगों से लड़ाई हुई थी, इनके दौर में इतने इस 150 साल के अरसे में इन लोगों के कौन कौन मुखालिफिन बनते हैं ना, एक 8 साल टीआरएस गवर्नमेंट
हुकूमत करती तो कांग्रेस से पहले उनकी लड़ाई थी 5 साल तक। बीजेपी का नामो निशान नहीं था 2018-19 तक, लेकिन 2019 के बाद ऐसा पिकअप करती बीजेपी की, आज मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी बन गई तेलंगाना में। तो आप जब कुछ साल तक हुकूमत करते तो कई महाजों पे, कई मवाके पे आपकी अलग अलग जो है ना अपोजिशन बनते। तो ये जो 150 साल तक कुतुबशाही डिनास्टी राज करी थी, तो इनका विजयनगर किंगडम के साथ, बीजापुर के साथ, बेरार के साथ, बीदर के साथ और अहमदनगर किंगडम के साथ क्या हुई थी, लड़ाइयां हुई थी। और इस दौरान मुगल रूलर्स स्लोली केम टू दक्कन एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमसी ओवर द दक्कन। तो ये भी हुआ कि उसके बाद मुगल के हुक्मरान भी जो है दक्कन की सरजमीन पे आए थे और अपनी हुकूमत भी कायम करे थे, लेकिन ये बाद में हुआ। कुतुब शाही सुल्तान्स एंकरेज्ड एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो कुतुबशाही जो सलातीन थे, इन लोगों ने एग्रीकल्चर, जिरात को बढ़ावा दिया, इरिगेशन, आबपाशी को बढ़ावा दिया, सनातों को बढ़ावा दिया, ट्रेड, तिजारत को बढ़ावा दिया, लिटरेचर यानी अदब को और आर्किटेक्चर फन तामीर को बढ़ावा दिया। द कुतुबशाही किंगडम ऑक्यूपाइड प्रोमिनेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ दक्कन। तो दक्कन की अगर आप तारीफ पढ़ेंगे तो कुतुबशाहियों का एक बहुत बड़ा रोल पाया जाता है। तो यहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश कर दिया। क्लियर है ना ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन? हाँ सर जी सर तो ये जी पहले तो कौन बानी था वो पढ़े थे, और कैसा ये इनकी कुतुबशाही सल्तनत कायम हुई थी ये पढ़े थे, और कब से कब तक हुकूमत करे ये पढ़े थे, और इनके कौन कौन मुखालिफिन थे वो सब पढ़े थे, और इनका किन किन मैदानों में रोल था ये पढ़े थे। अब क्या है कि हिस्ट्री के सोर्सेस रहते हैं, ठीक है? तो हम मुख्तसर अंदाज में, इंस्क्रिप्शंस भी है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस भी इनके हैं। गाजी नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ये एक इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा बादशाही आशूरा खाना, ये हैदराबाद दक्कन में। तो दारुश शिफा, ये भी जो है अपने हैदराबाद में बहुत अहम प्लेस है, ये वो आशूर खाना वहां पे भी है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आशूर खाना, वहां पे उनका इंस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा मियां मिश्क इंस्क्रिप्शन, ये भी जो है पुराना पुल, एक जगह है हैदराबाद में, वो भी वहां पे भी एक मस्जिद है, मियां मिश्क मस्जिद, वहां पे भी एक इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन अबुल हसन तानिशाह का है, ठीक है? तो द पंगल एंड काईकोंडा इंस्क्रिप्शन आर यूजफुल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुबशाही हिस्ट्री। तो कुतुबशाही हिस्ट्री के कुछ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें से गाजी नगर इंस्क्रिप्शन है जिसको लगाने वाले इब्राहिम कुली कुतुब शाह है। इसी तरह बादशाही आशूर खाना, दारुश शिफा पे जो है ना आशूर खाना है, इसको लगाने वाले मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। और मियां मिश्क इंस्क्रिप्शन ऑफ अबुल हसन तानिशाह, खाली इंस्क्रिप्शन पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उसको कौन लगाए थे, उसको कौन नसब करे, वो भी जानना जरूरी है। तो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पंगल और काईकोंडा इंस्क्रिप्शन, ये भी बहुत सारे, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो है कुतुबशाही सल्तनत को समझने में बहुत ज्यादा मुआविन है, ठीक है? इसके अलावा कुछ किताबें हैं, मिर्जा इब्राहिम जुबैरी की किताब है, बुस्तानुस सलातीन है ये, ठीक है? ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कुतुबशाही पॉलिटी के बारे में और उनके नेचर और स्ट्रक्चर के बारे में।